तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या हो, क्या बोला, क्या बोला? बताता हूँ, मेरी सबसे बात हो चुकी है और सबकी राय जानने के बाद मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एक मेयर सेक्रेटरी आप सबको यहाँ पे अपने अपने स्टॉल लगाने की परमिशन देता हूँ। अरे आता दिली ना परमिशन, आता कशाला नारी शक्ति। मुझे पूरा विश्वास था कि परमिशन मिल जाएगी। अगर नियत अच्छी हो तो भगवान जी भी साथ देते। थैंक यू। अरे क्या बात है, आप लोग नारे क्यों लगा रहे हो और किस बात कितनी खुशी मनाई जा रही है? अरे आओ आओ बच्चों, तुम लोग एकदम सही समय पर आए हो। दादाजी ये लोग कौन है? और ये इतना सारा सामान, टप्पू से ना हमारी मदद से ये लोग यहाँ सामान बेचेंगे और बाहर से लोग आएंगे खरीदी करने के लिए। ओ, क्या बात है, यानी कि गोकुलधाम में दिवाली मेला होगा। हाँ, हमारे इस आयोजन के लिए दिवाली मेला परफेक्ट नाम है। सिंपल एंड अपीलिंग। ठीक है, तो इसका नाम हम गोकुल धाम दिवाली मेला रखते हैं, ठीक है? फ्रेंड्स, मेले में तो वैसे ही मजा आता है, लेकिन दिवाली मेले में और भी मजा आएगा। अरे बिल्कुल। सोचो फ्रेंड्स कितना मजा आएगा जब मेला हमारे सोसाइटी में होगा, हम पूरा दिन मस्ती करेंगे। ओ वाजी वाह, इस बार तो दिवाली में दमाली दमाल होगा। ओ यारो नाचो। मैम साहब, हमें सामान रखने की परमिशन तो मिल गई, पर कल हमारा सामान बिक तो जाएगा ना? मैम साहब, आज का दिन तो बिगड़ गया, कल हमारा सामान नहीं बिका तो काफी नुकसान हो जाएगा। हाँ साहब, बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ मैम साहब। देखिए आप लोग उसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम सब लोग उसके लिए पूरी तरह से मेहनत करेंगे। हाँ, हम सब हमारे पहचान वालों को दिवाली मेला में सामान खरीदने के लिए बुलाएंगे। और आपका सामान बिके इसलिए हम दिवाली मेला को हर तरह से प्रमोट करेंगे। हाँ क्यों नहीं, इसे हम हमारे गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव की तरह प्रमोट करेंगे। दिवाली मेले के पोस्टर्स लगाएंगे और पैम्फलेट्स भी बांटेंगे। बच्चों और हाँ, आसपास के सारे मोहल्ले और नुक्कड़ में जाके पोस्टर लगाने की जिम्मेदारी मेरी। वाह वाह। और इसके साथ साथ हम लोग सोशल मीडिया पे भी इसका कैंपेन चलाएंगे। हाँ ये अच्छा आइडिया है, अगर सोशल मीडिया पे ये कैंपेन वायरल हो गया ना तो जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिवाली मेला के बारे में पता चल ही जाएगा। Yes. मैं मेरे सभी फ्रेंड्स ग्रुप को व्हाट्सएप पे मैसेजेस फॉरवर्ड कर दूंगी। मैं हमारे दिवाली मेले का इश्तिहार हमारे तूफान एक्सप्रेस में दूंगा, ताकि हमारे एरिया के बाहर वालों को भी पता चले और वो सब भी मेले में आ पाए। वाह पोपट भौजी। और मैं भी अपने सारे डॉक्टर फ्रेंड्स को बोलूंगा कि यहाँ गोकुलधाम में आके ही दिवाली की शॉपिंग करें। क्या कितने अच्छे लोग हैं नहीं ना? बस तो फिर आहो, अभी आप दिवाली मेला की तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि कल सुबह तक पूरा तैयार हो जाए। जो हुकुमरानी साहिबा। लगभग सारा काम हमारा तय हो गया है, आप लोग कल सुबह 10 बजे यहाँ पे आ जाइए। शाम 11 बजे हम लोग दिवाली मेले का उद्घाटन करेंगे। हाँ। चाचा जी हा? कल मेले का उद्घाटन आप ही करना। हा? 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 अरे नहीं नहीं बेटा, दिवाली मेले का उद्घाटन तो तुम सब लोगों के हाथों से ही होना चाहिए, क्यों मिली मास्टर? हाँ चाचा जी की ये बात बिल्कुल सही है, मेले का उद्घाटन तो महिला मंडल के हाथों से होना चाहिए। हाँ मैम साहब,
उद्घाटन आप लोगों के हाथ ही होना चाहिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। देखना कल से ये दिवाली मेले की वजह से हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में रौनक ही रौनक होगी। इस बार की गोकुलधाम की दिवाली होगी बड़ी निराली। सही बात है। यस, इस बार तो बहुत मजा आएगा। अरे चलो भाई, बस अभी बातें करना बंद करो और तैयारी शुरू करो। हाँ, वैसे भी टाइम बहुत कम है। अच्छा सुनिए, अभी यहाँ पे स्टॉल लगने वाले हैं ना, तो अभी फिलहाल के लिए आपका जो ये सामान है ना, वो क्लब हाउस की सीढ़ी है ना, वहाँ पे जरा शिफ्ट कर देना। हाँ ठीक है, ठीक है। तो चलिए काम की शुरुआत करते हैं। बोला गणपति बप्पा। चला चला उठ, चला। अब्दुल, गोकुलधाम में दिवाली मेले के आयोजन की तैयारी ठीक से चल रही कि नहीं देख लेना, फेरी वालों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ले भाई, तैयारी हो चुकी है, सभी तक सब हो जाएगा। हाँ बाबा, सब हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ, और टप्पू से ना। बीड़े अंकल, हमने सारे पोस्टर छपाने दे दिए हैं, डोंट वरी। हाँ बीड़े अंकल, चील। वेरी गुड, तो फिर खड़े क्यों हो, जाओ आसपास की सोसाइटी में, गली मोहल्ले मार्केट में, सब जगह पोस्टर लगवा दो। सबको पता चलना चाहिए कि गोकुलधाम में दिवाली मेला है। अरे हम ऐसा प्रचार करेंगे, ऐसा प्रचार करेंगे कि कल सबके मुंह पे गोकुलधाम दिवाली मेले का नाम होगा। तो फिर चलो फ्रेंड्स, मिशन पोस्टर शुरू करते हैं। चलो अचार पापड़ के सारे कस्टमर्स को मैं भी बोल देती हूँ। मैं भी मेरे सारे स्टूडेंट्स को बोल देता हूँ। हाँ कृति, कल हमने गोकुलधाम में दिवाली मेले का आयोजन किया है, तुम्हें आना है। ओके, और हाँ, तुम आसपास के सभी लोगों को इन्फॉर्म कर देना। ओके, आप सब लोगों को आना है। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल, बाय। हाँ हाँ, दिवाली का सारा सामान आपको गोकुलधाम में ही मिल जाएगा। और हाँ, वैरायटी और क्वालिटी की तो चिंता भी मत करना। हाँ हाँ, आप तो आइएगा ही, पर साथ ही साथ अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को बता देना कि कल सुबह 11 बजे गोकुलधाम दिवाली मेले का ओपनिंग है, ठीक है? हाँ हाँ, सब कुछ मिल जाएगा, पटाखे भी। बस आप आ जाइएगा और अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को भी बता दीजिएगा। आप लोग बरोबर टाइम पे गोकुलधाम दिवाली मेले में पहुंच जाइए। और रोशन डार्लिंग, और मैं की कह रही थी कि गोकुलधाम दिवाली मेले पे आने के लिए मैं कनाडा वाले परमजीत भाई साहब को भी फोन करके बुला लेता हूँ। ये लो ठेगा जैसो, परमजीत ताजी कनाडा से मुंबई दिवाली मेला अटेंड करने के लिए ढूंढना आएंगे। आएंगे क्यों नहीं आएंगे, और मेरे बोलने पे वो पहली फ्लाइट पकड़ के आएंगे। रोशन, होगी की शादी नहीं है जो तेरे कहने पे पहली फ्लाइट पकड़ के आएंगे। और मेरी बोली पार्सन, और मैं मजाक कर रहा थी, और परमजीत भाई साहब तो मुंबई आए हुए है। खेलो चे खेलो। रोशन तू एक काम कर, अपनी कजन दिलनाज को भी बुला ले। रोशन, दिलनाज मेरे कहने पे किचन से हॉल में नहीं आती, तो वो सूरत से मुंबई आएगी। इसका मतलब है तेरा कहना सिर्फ मैं ही मानता हूँ, इसलिए तो तुझसे शादी की। I love your sense of humor. I'm serious. रोशन जा, मैं नहीं करता सब्जी। अच्छा मैंने अभी एक इश्तियार का मैटर भेजा है, वो कल के हमारे तूफान एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर छप जाना चाहिए। अरे नहीं भाई, शादी का नहीं है, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में दिवाली मेला होने जा रहा है, तो उसका इश्तियार दे रहा हूँ। ठीक है ठीक है, ओके ओके, बाय। गोकुलधाम दिवाली मेले के पोस्टर रेडी है। क्या कर रहे हो, आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, आप पहले जाओ। चलो परफेक्ट। अब्दुल भाई, मैं क्या कहता हूँ, नाके पे ये ना गुप्ता जी का चाट भंडार है, सुपर चाट मिलती है, खा के जाएंगे। आधे घंटे के बाद। आधे घंटे के बाद पोषण चुकाना है ना। अरे आधा घंटा तो यूं 30 मिनट में निकल जाएगा। हाँ। है ना, चल चल बहुत सारा काम है, चल ना भाई। एक मिनट, ये तो क्या कर रहा है ये, कोई सोशल डिस्टेंसिंग तो रखनी पड़ेगी ना। अरे गोगी, ये पोस्टर है। मैं पता है, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन पिंकू एकदम लाइन में आना चाहिए, एकदम परफेक्ट लगना चाहिए। हाँ, एकदम परफेक्ट है, एकदम। चलो पोस्टर्स तो लग गए। हाँ, अभी फटाफट ये पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हाँ, चलो।
नकी नकी ओके बाय। मैंने सबको बोल दिया है। हाँ मिले भी। अरे अरे ऊँट अरे ऊँट ऐसा हाथ अरे ऊँट। सॉरी बिड़ा अंकल, अरे मेरा चप्पल। सॉरी बिड़ा अंकल, वो लगा काय चल रहे है गोया। सॉरी सॉरी बिड़ा अंकल, वो दिवाली मेले के उत्साह में ना मेरा बैलेंस छूट गया। गोया अपना उत्साह कल की दिवाली मेले की तैयारी के लिए बचा के रखना। अरे बिड़ा अंकल, उसके लिए उत्साह बचाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दिवाली मेले की सारी तैयारियां हो गई है। हाँ बाबा, हर गली मोहल्ले और आसपास की सोसाइटीज में पोस्टर लग गए हैं। देखना कल गोकुल धाम में लोगों की कैसी भीड़ जमेगी। वाह वाह, शाबाश बच्चों। थैंक यू माय डियर मदर। बस अभी सब कुछ अच्छे से हो जाए, भगवान करे कोई प्रॉब्लम ना हो। ओ बच्चे बोल रहे हैं ना सारी तैयारी हो गई है, अभी किस बात का टेंशन है आपको? मुझे सोसाइटी की सिक्योरिटी का टेंशन है माधवी। कल भीड़ जमेगी, बहुत सारे लोग आएंगे, हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, सीसीटीवी कैमरा नहीं है, भगवान करे कोई हादसा ना हो जाए। अरे बीड़े अंकल टेंशन मत लीजिए, टप्पू सेना और मेरे पापा है ना, जस्ट चिल। हाँ पोपट भौजी है, हाथी भाई है, हम सब रहेंगे ना वहाँ पे। आप क्यों चिंता कर रहे हो, और भगवान सब अच्छा ही करने वाला है। ठीक है चलो देखते हैं कल क्या होता है। अरे देखना क्या है मेरे अंकल, कल की गोकुल धाम की सुबह धमाकेदार होगी। अच्छा चलो, मुहूर्त का समय हो गया है, उद्घाटन करते हैं। चलो चलो। हाँ तो मैं आत्माराम तुकाराम गोकुलधाम सोसाइटी का वो एकमेव सेक्रेटरी है। अरे मैं बोल रहा हूँ ना भाई, तुम क्यों बोल रहे हो? अरे मैं बोल नहीं रहा, तुझे बुला रहा हूँ। क्या हुआ? जेठालाल का चाचा जी, जेठालाल कहाँ है, कहीं अभी तक सो तो नहीं रहा? अरे नहीं नहीं, वो मेरे साथ ही नीचे उतरा था, यही तो था। जेठिया, ए जेठिया। ओ जेठा ब्रा, ओ किथे हो? सेठ जी कहाँ चले गए? आदरम, जेठालाल आ जाएगा, तुम उद्घाटन का प्रोग्राम शुरू करो, सब लोग आ गए। नहीं 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 नहीं, जेठालाल को भी आने दो, वरना मुझे दो बातें सुनाएगा बाद में। कमल गेला कुटिया। अरे वो रहे पापा गार्डन में, फोन पे बात कर रहे हैं। तेरी। अरे टीवी। हाँ बापू जी। अरे उधर क्या कर रहे हैं, चल। एक दो मिनट बापू जी, एक काम का फोन है, बात करके आया, एक दो मिनट। अरे फोन पे बाद में बात कर लेना भाई, सब लोग उद्घाटन के लिए तेरी राह देख रहे हैं। एक मिनट सर, मैं एक 10 मिनट में आपको वापस फोन करता हूँ, ठीक है? ओके ओके, चल चल जल्दी चल जल्दी। चल जल्दी चल भाई। सुनिए देखिए, उद्घाटन हुआ नहीं है, वो जेठालाल का गलती से यहाँ पे धक्का लगा तो रिबिन निकल गई। रिबिन कट करने के बाद ही उद्घाटन होगा। आज चल रहे जेठालाल। अरे माला वो ठोकर वागली, मैं आता धड़पड़ बद्दू बद्दू समझाएगी हूँ, अभी अभी कुछ मत दसो, इस तरफ आओ। तबू दूसरी रिबिन लगाओ, आओ। देखिए सबसे अनुरोध है कि जब तक रिबिन कट नहीं होता है अपने अपनी जगह पे खड़े रहे, बिल्कुल भी ना हिले। अरे, 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 अरे। क्या कर रहे, सीधा खड़ा रहना।
आपने अभी मैंने बोला बिल्कुल भी ना हिले। अरे बराबर है पर जमीन ने बगना थोड़ी वाकड़ी तो ऐसी आए ना ऐसे आदमी आए। अरे थोड़ी देर मैनेज करो ना जेठाला। अरे पर बैलेंस जा रहा है भाई, तो मुहूर्त जा रहा है भाई। तो मैं आत पराम तुकाराम भिड़े आता का है रेडी है कैंची कैंची। हाँ रेडी रेडी। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि आज के इस शुभ दिन पर हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में दिवाली मेले का आयोजन हुआ है, तो मैं आज पर आपको करा मिले गोकुलधाम सोसाइटी का एक मिनट सेक्रेटरी ये कामना करता हूँ कि दिवाली का मेला सफल हो जाए और कोई भी विघ्न ना आए। आए अरे अरे क्या कर रहा है? आपने हाथ हटा दिया हो पपोट तो बैलेंस तो मैं आज पर हम तुकार मिले गोकुलम सोसाइटी का गोकुलधाम सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी ये कामना करता हूँ कि दिवाली मेला सफल हो जाए और कोई भी विघ्न ना आए। सही बात है। और सबका सारा माल बिक जाए। अच्छा जेठालाल अभी मुझे वो महिला मंडल से विनती करनी है, उद्घाटन करना है, तो कैची लानी तो छोड़ना पड़ेगा। ओ बाप रे। तू छोड़ तू छोड़ तू छोड़ इधर ये अच्छा बढ़िया है इधर बराबर है समथल है जमीन। हाँ ये मस्त ये हो गया फर्स्ट क्लास एकदम हो गया ना। थैंक यू बाबू। हाँ तो अभी मैं गोकुलधाम के महिला मंडल से विनती करता हूँ कि वे आगे आए और इस लाल रिबन को कट करके इस मेले का उद्घाटन करें। हिली आई 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 रोशनी सबको लुभाती आंगन ये लगता है पूजा की थाली गोकुल धाम की ये। देखो दिवाली आई दिवाली देखो दिवाली आई दिवाली। सीट जी मस्त कंदी लेने। हाँ मस्त है ले 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 दुकान के लिए कर ले ले। दुकान के लिए आपके घर के लिए मेरे घर के लिए बावरी जी के घर के लिए एक एक ले लो। ले ले मैं तो कहता हूँ तेरे पूरे मोहल्ले के लिए ले ले। हाँ ले 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 ले। थैंक यू। ये थैंक यू मजाक भी नहीं समझता। समझता हूँ ना इसीलिए तो सामने मैंने भी मजाक किया। पूरे मोहल्ले के लिए कोई लेता है भला। ले 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 जो भी पसंद हो ले। थैंक यू बापू जी। ये दुकान के लिए ले ले। हाँ ये दुकान के लिए ये बावरी जी के लिए इनके पास ऐसी ड्रेस है। अच्छा मैचिंग मैचिंग। ये मेरे घर के लिए और बापूजी आपके घर के लिए ये कैसा रहेगा? हाँ अच्छा तुझे जो भी पसंद है वो ले ले। थैंक यू दे दो भाई दे दो। निकालो निकालो। आज की वाह ये कैरम रंग की लाइट तो कितनी खूबसूरत लग रही है। कौन सा रंग? गोल्डन गोल्डन रंग। ये लाइट तो मुझे जरक पर नहीं चाहिए। भैया जी कोई एंट्रेंस पे लगाने वाली लाइट बताइए ना। हाँ भैया कोई रंग बिरंगी लाइट दिखाओ। हाँ हाँ रंग बिरंगी क्यों? ओ सोनिया ओए हम दोनों रंग बिरंगे प्यारे कपल है। ओए रोशन एंड रोशन। ओए तू भी रोशन ओ मैं भी रोशन।
और ये रंग बिरंगी लाइट कर देगी हमारे घर को रोशन ही रोशन। खरेखर तू टंटन गेलो छ गेलो गेलो छ क्योंकि आई लव यू। सॉरी भैया जी। दोस्तों जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। दिवाली मेला गोकुल धाम में सज चुका है, लग चुका है, सारे लोग आनंद उठा रहे हैं। हम गोकुल धाम निवासी भी मजे लूट रहे हैं इस वक्त, शॉपिंग कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त तो हम मस्ती की कश्ती में सवार हैं, लेकिन ये मस्ती की कश्ती कब गड़बड़ के भंवर में फंस जाए पता नहीं चलता, क्योंकि ये गोकुल धाम है ना, यहाँ स्थितियां सामान्य रहती नहीं, कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि कल क्या ये दिवाली मेला ठीक ठाक चलेगा या फिर कोई गड़बड़ होगी, और गड़बड़ होगी तो किस तरह की होगी, और अगर गड़बड़ होगी तो क्या हम सुलझा पाएंगे ये उलझन और ये मसला हल हो जाएगा, पता नहीं। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हर सवाल लेके आएगा ठास से भरे जवाब, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। और हाँ मित्रों, एक विशेष बात दोस्तों, हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत 2078 के अनुसार आज साल का पहला दिन, साल के पहले दिन हम सभी की ओर से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको आपके परिवार को नूतन वर्षाभिनंदन, यह वर्ष आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए और आप हमेशा हंसते रहें। हंसने के लिए देखते रहें तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और यहाँ क्या होता है जानने के लिए जरूर देखिए। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।